नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल कराने के लिए समाज सेवियों ने सीएमओ ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप, स्वास्थ्य विभाग होश में आओ के नारे, साथ दिया ज्ञापन। कन्नौज में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त कराने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएमओ ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। नवाब सिंह यादव ने कहा कि कन्नौज में डेंगू की बीमारी से सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। गरीब आदमी इस बीमारी से जूझ रहा है। अस्पतालों में मरीजों को जरूरत पड़ने वाला खून से प्लाज्मा बनाने वाली मशीन के न होने का अभाव में सैकड़ों मरीज दम तोड़ देते हैं। प्लाज्मा मशीन की तुरंत व्यवस्था की जाए जिसमें गरीब आदमी को राहत मिल सके। नवाब सिंह यादव ने कहा कि बदहा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते हमने अपनों को खोया है। अपनों को खोने का दर्द एक इंसान ही समझ सकता है, ना की जाए अंधी बहरी सरकार। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि प्लाज्मा मशीन जल्द लगवाई जाए। उन्होंने सीएमओ को घेर लिया और कहा कि बताओ आपके आंकड़ों के अनुसार कितनी मौतें हुई हैं। तो सीएमओ के पास सही जवाब नहीं दिया और आनाकानी करने लगे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। जिला संवाददाता सीबू सैनिक की रिपोर्ट। आप देखें, जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में डेंगू की महामारी चल रही है। प्रशासन हाथ पे हाथ रखे बैठा है। अभी सीमो साहब आते होंगे, आप पूछना डेंगू से कितनी मौतें हुई तो ये बता देंगे, नहीं एक या दो या हुई नहीं मौतें, क्योंकि मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है। मरीज हमारे यहाँ मौतें नहीं हुई। अरे जब आप भर्ती करेंगे तब तो कोई मौत होगी, आप तो हाथ खड़े कर देते, कहीं ले जाइए, मर जाइए, कुछ भी करिए। गरीब आदमी परेशान है, मैंने अपनों को खोया है, मेरा वो दर्द है। नौजवानों को खोया है। अब परसों वाले दिन मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया जब एक पिता ये कह रहा था कि मेरा 25 साल का बेटा, जिसकी 25,000 प्लेटलेट्स रह गई हैं, क्या करें। हमने कहा तुरंत कानपुर ले जाइए। उसने कहा कानपुर ले जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। हमने कहा प्लाज्मा चढ़वाइए जाके। अगर कन्नौज में प्लाज्मा और ब्लेड को तब्दील करने में ब्लेड से प्लाज्मा निकाल लिया जाए, मशीन हो, तो कम से कम कुछ लोगों को जान बचाई जा सकती है और कुछ लोग जो गरीब लोग हैं उनका इलाज भी हो सकता है। लेकिन ऐसा तो है नहीं, अचानक बीमारी आ गई डेंगू। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक हर वर्ष अपना कहर रहता है, उसके बाद प्रशासन हाथ में हाथ रख के बैठा है। आप सवाल करना, कह देंगे कोई मौत नहीं हुई है। उनसे पूछिए जाके जिन्होंने अपने बेटों को खोया है। मना रहे थे मुख्यमंत्री जी दीपावली, जला रहे थे दीप, मुझे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं पूछता हूँ जिनके घरों के दीप हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए, उनका घर का, उनके घर की रोशनी कौन लाएगा, ये किसकी जिम्मेदारी थी। आप तो दीप जला रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन जिनके दीप हमेशा के लिए बुझ गए, उनके जीवन में अंधेरा आ गया, ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी थी। इसलिए मैं आज धरना प्रदर्शन करने आया हूँ। हजारों लोगों ने इकलौते बेटों को खो दिया, घर में अंधेरा हो गया। ये सीमो साहब से पूछिए कि उनके घर में कैसे दीपक जलेगा, कैसे रोशनी आएगी, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।